पब्लिक टीवी आपकी आवाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में शनिवार को सुबह आयोजित डीएसपी के दीक्षांत परेड में अलीगढ़ के रहने वाले दरवेश सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। डीजी प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया। दीक्षा परेड के साथ ही यूपी पुलिस को जहां 30 डीएसपी मिले, वहीं 29 एपीओ का दीक्षांत समारोह भी सम्पन्न हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में वर्ष 2016 बैच के 30 डीएसपी की ट्रेनिंग शनिवार को पूरी हो गई। इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। डीजी प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने प्रशिक्षु डीएसपी को शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव कृष्ण, पीटीसी के निदेशक ब्रजराज मीणा, आईजी रमेश शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौजूद रहे। इंडोर प्रशिक्षण में कुशीनगर के कमलेश को प्रथम स्थान मिला। लखनऊ शारदा नगर की रहने वाली रूपाली राय को आउटडोर प्रशिक्षण में पहला स्थान मिला। प्रशिक्षु एपीओ विपर्णा गौर को प्रथम, सतीश कुमार पांडे द्वितीय और सोलंकी यादव को तीसरा स्थान मिला। पुलिस अकादमी के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में एक वर्ष तक ट्रेनिंग करने वाले 30 डीएसपी का प्रशिक्षण पूरा हो गया। शासन से सभी की नियुक्ति भी हो गई है। तैनाती स्थल पर रवाना होने से पहले पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। परेड शनिवार को सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। पुलिस अकादमी द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक परेड सुबह 9:30 बजे ग्राउंड पर पहुंची थी। 10:15 बजे परेड कमांडर ने पदभार ग्रहण किया। 10:00 बजे मुख्य अतिथि परेड ग्राउंड पर पहुंचे। 10:30 बजे पुरस्कार वितरण और 10:15 बजे मुख्य अतिथि ने परेड को संबोधित किया। हेमंत कुमार आगे बढ़ते टोली नंबर 1 का नेतृत्व कर रहे हैं एसआईसीटी प्रशिक्षु श्री जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा मुख्य अतिथि जी का अभिवादन किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं और यहाँ हमको 12 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बेसिकली आजकल जो इमर्जिंग क्राइम्स हैं, जैसे साइबर क्राइम, उस पर विशेषकर जोर दिया है। तो ट्रेडिशनल क्राइम आजकल कम हो रहे हैं, वो साइबर पर विशेषकर बल दिया गया है। और इसके अलावा और जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन हमको सिखाया गया है। तो अभी ज़िले में जाके काम करना है, बेहतर से बेहतर काम करना है, जो भी सीनियर अफसरान का आदेश होगा पालन करना है। कौन कौन से विषय में आपको पुरस्कार मिले हैं? जी मुझे लगभग 12 विषय में पुरस्कार मिले हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा सारे। अच्छा, इस समय बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, कोरोना महामारी भी है और सारी प्रॉब्लम्स इस समय प्रदेश में और देश में चल रही है, ऐसे में क्या आप तैयार हैं? जी हमारी सारी तैयारियाँ हैं। हमारा जो जिला प्रशासन है, जैसे कभी सर ने, हमारे डी सर ने ब्रीफ किया था कि तैयारियाँ पूरी, और हमें अब क्योंकि अभी जाना है, अभी 12.5 महीने का प्रशिक्षण और होगा, तो कैसे टैकल करना है वो हमें यहाँ प्रशिक्षण में सिखाया गया। 6 महीने से प्रशिक्षण चल रहा है कि कैसे कोरोना से टैकल करना है, लोगों को जागरूक करना है और ख़ुद भी सेफ रहना, साथ में सेवा करनी, तो पहले खुद को सेफ रखना ज़रूरी है। सर मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि छोटा सा काम है, मैंने केवल आदेश का पालन किया। हमारे जो गुरुजन हैं, परमादरणीय एडीजी सर हमारे, हमारी डीआईजी मैम हैं, एडिशनल मैम हैं और सीओ मैम हैं, और हमारे उस्ताद हैं प्रदीप कुमार साहब, नेगी सर हैं, मनीष कुमार साहब हैं, और भी हमारे सभी उस्ताद हैं, और उन्होंने जो आदेश दिया मैंने केवल फॉलो किया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया, लीजिए सर बनाइए। क्या नाम सर? जी इधर
आज ये एकेडमी के लिए भी एक सौभाग्य का दिन है और कि इस कोरोना जैसे काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग संक्रमण के बहुत सारे चैलेंजेस थे तो हमने एज़ पर शेड्यूल जो डिप्टी एसपीज का और एपीओज का जो कोर्स था वो एक ही दिन में इनका समाप्त होना था और वो एज़ पर शेड्यूल उसको हमने समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरे काल में पिछले 8 महीने के कोरोना काल में और उससे पहले 12.5 महीने के इसके कोर्स के काल में ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी विधाएं हैं इंडोर की और आउटडोर की उन सब की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सभी ऑफिसर्स को जो बेस्ट ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए वो ट्रेनिंग दी गई है और जैसा कि भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में भी सुना कि उनको हमको पूरा विश्वास है कि वे अपनी इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके जो पुलिस में आने का ध्येय है दाई कि वो जनसेवा कर सकें एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में कानून की जानकारी रखते हुए अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और नागरिकों के साथ एक संवेदनशील व्यवहार इस परंपरा को इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हुए वो एक सफल अधिकारी सिद्ध होंगे। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।